अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक मालूमात पे। आज आपको बताने वाले हैं जादू टोना, भूत प्रेत भगाने का आसान तरीक़ा। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, जिस किसी मरीज़ के ऊपर सिहर व जादू, जिन्नात व शैतान का असर हो, उसके बदन का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा लेकर उस पर स्याही से इस नक्श को जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लिखकर नए चिराग में रोगन तलख यानी सरसों का तेल डालकर रोशन करें और मरीज़ उसको देखे, इंशाअल्लाह मरीज़ एक रोज़ में सेहतियाब हो जाएगा, मगर एहतियातन 3 या 7 रोज़ तक जलाए और मरीज़ का 3 बाल फलीता के अंदर ज़रूर रखें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा नतीजा सामने आएगा। फिर आप मरीज़ को एक बोतल पानी में पहले 3 बार दुरूद शरीफ, फिर 3 बार दुआए सैफ़ी यानी आयतल कुर्सी, दिल कुरान, आप चलें तो रहमान, हल्का हल्का 7 आसमान, 7 गली एक दरबान, पांव रखे जिब्रील, करम करे रहमान, वजूद मौजूद बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चिल्ला करे चिल्ला वो न करे, जादू करे सो मरे, इसे आप 3 बार पढ़ें। फिर आप दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ें और पानी में दम कर दें और मरीज़ को दे दें कि इसे हर रोज़ वो सुबह शाम निहार मुँह यानी खाली पेट एक गिलास गर्म पानी के साथ वो पी लें। और याद रहे कि इस पानी के इस्तेमाल के बाद वो 45 मिनट तक कुछ ना खाए पिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 21 दिन गुज़रते गुज़रते उस मरीज़ की सेहत में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और उससे जो भी असर होगा वो सब का सब ख़त्म हो चुका होगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब फिर आपसे मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।